बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आज हम बनाने लगे हैं टिंडे और गोश्त। ये बड़ा गोश्त है, मैंने साफ़ करके मैंने कुकर में डाल दिया है। तो ये है टिंडे, आधा किलो के करीब हैं। 3 प्याज लिए थे और 2 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, उनको छील के मैंने रख लिया। तो इधर है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्चों का, 1 चम्मच हल्दी का। अब चीज़ें डालते हैं और आधा किलो के करीब पानी डाला है। बाकी मसाले बाद में डालेंगे तो फिर उस वक्त आपको बता देंगे। अब ढक्कन लगा लेती हूँ। तो 10 मिनट के लिए प्रेशर देंगे हम। चले, अब हमने रख दिया है। ये देखिए 10 मिनट हो गए, अब ढक्कन हटाते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, अब ना देख चेक करते हैं गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है। चलिए, अब हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं कि इसमें अच्छी तरीके से बनाई नहीं होती, अब हम इसमें डालेंगे। चलिए, अब इसमें डाल लेते हैं। ये देखें, हमने सारा गोश्त निकाल के इस बर्तन में डाल लिया है। ये देखें, थोड़ी सी जख्मी बच गई है क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका था। तो अब बाद में हम जब टिंडे डालकर बुनाई करेंगे ना, अच्छे तरीके से बुनाई करके बाद में हम ये जख्मी डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच अदरक पाउडर का और 1 चम्मच ही गर्म मसाले का डालेंगे, क्योंकि मैं जब बुनाई करती हूँ उसी वक्त ही मैं डालती हूँ, फिर इतना अच्छा जायका बनता है। ये टींडे गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, मुर्गी में तो बनते ही हैं तो, लेकिन बड़े गोश्त में भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी लोग ज़रूर ट्राई करना। चलें, आप घी डाल लेते हैं। 2 चम्मच घी ऑयल के डालूँगी, सॉरी मैंने घी कह दिया था, ये ऑयल है। चलिए, आप अच्छी तरह से बनाई कर लेते हैं इसकी। ये देखिए, गोश्त की अच्छी तरह से बनाई हो गई है। ये देख लें, इसने घी भी छोड़ दिया। अब एक प्याली दही की डाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने दही डालकर अच्छी तरह से बनाई कर ली है। अब टिंडे डाल देते हैं। टिंडे भी डाल के 5 मिनट हम इनकी बनाई करेंगे। तो आप मेरे तरीके से, ये टिंडे और बीफ का गोश्त है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए, हमने सिंपल से मसाले डाले हैं, ज़्यादा मसाले भी नहीं हमने डाले। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये देखें, टिंडे और गोश्त की मैंने अच्छी तरह से बनाई कर ली है। अब जो जख्मी बची हुई थी ना, वो इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, अब 10-12 मिनट पकाएंगे हम। ये देखें, हमारे टिंडे भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें मिर्ची डाल देती हूँ। अरे करेंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसा हुआ धनिया और जीरा। ये भी डाल दिया। अब मैं सब्ज धनिया डाल देती हूँ। ये देखें, हमारे टिंडे और गोश्त बन, ये देखें हमारे टिंडे और गोश्त की फाइनल लुक। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है कि अभी खा लूं, लेकिन जब सभी खाएंगे तो उसी वक्त मैं भी खाऊंगी। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।